आओ चलते हैं अगले की तरफ। बोलते हैं ये पुलिस की क्या मना है। जाएगा कहां तक? एसपी कन्या नाम है, साले पढ़ा कर गोली मारूंगा। आप सबका बहन का पीछा करना छोड़ दे। किसी माइकल लाल ने वो दम नहीं जो बरहम सिंह के हाथ में हथकड़ी। साथियों और चलते हैं देखे साथ, देखते हैं पुलिस समाज क्या बिगाड़ती है। जय भवानी जय। मैं यहीं पर बैठ कर थोड़ा आराम करती हूँ। मैं खुद से बबलाया करता है लेकिन घर कोई बात नहीं। ये तो सब समय की बात है, समय समय में क्या होता है और क्या नहीं होता है। बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, कब लोगे खबर मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। आप कृपा करके मेरी जान बची लीजिए। मैं आप ये एहसान से दिल्ली थर में और मैं बहुत प्यासा हूँ। तुझे पानी पिला।
तूने मेरे बड़ा एहसान किया जो मेरी तूने आज जान बचाई। इस जान की कीमत मैं नहीं चुका सकता। आखिर तू कौन है? कौन मैं यही जानना चाहती हूँ कि तू कौन है, क्या नाम है तेरा? तू ये जानना चाहती कि मैं कौन हूँ? अरे मैं एक ऐसा इंसान हूँ माँ, तू सुनेगी तो एक बार तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। हाँ माँ, मैं एक पिंजरे में रहने वाला डाकू बेरहम सिंह के नाम से मुझे जानते हैं। हाँ माँ, मुझे लोग डाकू बेरहम के नाम से जानते हैं। और क्या चाहता है? क्या चाहता हूँ माँ, मैं भी एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन दुनिया के लोगों ने मुझे इन हालात छूने के लिए मजबूर कर दिया और एक साधारण सा रहम सिंह आज डाकू बेरहम सिंह के नाम से जाना। मैं भी इसी तरह घर बदर की ठोकरी खाती हूँ और साथ में मैं अपने बच्चे को भी लेकर इसी तरह घूमती रहती हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तुझे सहारा दूंगी। क्यों नहीं माँ? हेलो, चल मैं तुझे आज अपने हाथों से कुछ खिलाती हूँ। ठीक है माँ, चलो चलते हैं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। चलो माँ। अरे ये दुनिया छिपी है तो कहां से बच्चा मिले?
हे कलावती ये बच्चा हमको दे दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं, तू भले बात जानती है कलावती, कि ठाकुर ने विजयपुर गांव के कोई बच्चा नहीं बचा, उसको ठाकुर ने नहीं मारा। ठाकुर साहब और कुछ न्याय, अब क्या मेरा इस सारा भी छीनना चाहते? न्याय अन्याय सागर सिंह कुछ नहीं जानता कलावती, ये बच्चा हमको दे दे, ये बच्चा हमको दे दे। मेरे बेटे को कुछ मत करना। बहुत कुछ करेंगे कलावती, इसको बहुत छिपाती थी, अब ये इसको भी दुनिया से नाम निशाना। चीज में तुझे भगवान भी माफ ना करे। भगवान की बात करती है कलावती, भगवान क्या कर सकता है? जो कर सकता है ठाकुर ज्वाला सिंह कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता कलावती। इसलिए इतना बड़ा इस बच्चे को ले जाऊंगा। इतना बड़ा घोर पाप मत करो। तू ठाकुर सागर सिंह के और ज्वाला सिंह की, जब तेरे पास कोई संतान नहीं रहेगा तो ठाकुर ज्वाला सिंह को सागर सिंह को याद करेगी तो एक बार रोए। क्यों बे साले मेरी माँ को धक्का दिया, जाना नहीं कि अभी कानून बोल बच्चे को लेकर, कौन है बीच में आज पूरा दया कौन जानता है जहां ज्वाला सिंह नाम है, जिसका तू जान ले कांपता है जहां, कांपता है जहां। ए सागर सिंह साले तेरी भलाई सिम है कि चुपचाप यहाँ से चला जा। साले ऐसा हाल करूंगा ना, साले कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तूने मेरे बाप का पैर काट दिया था, जा जा। तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, अभी चाहूं तो सागर सिंह है, कोई बच्चा नहीं है जो तू मुझे मार देगा। उसको
ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा ना कि साले देखने वालों की रूह कांप जाएगी। किसी में है तो चुपचाप यहाँ से जब तक बच्चा लेकर नहीं जाऊंगा यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। चुपचाप निकल ले यहाँ से वरना समझ ले सागर सिंह तेरा वो हाल करूंगा ना कि कभी जिंदगी में तेरा वैसा हाल हुआ नहीं। एक बच्चे को लेकर जा रहा हूँ देखता है तू मेरा क्या कर सकता है। साथियों अगर ये हराम ज्यादा बच्चे को हाथ लगाए तो इसको लहूलुहान कर दो, इसके हाथ पैर बांध कर हराम ज्यादा को हाथ लगाते हैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इसके हाथों में आपके लगा हरा अगर तूने हाथ भी उठाया तो इतनी गोली मारूंगा ना, इतनी गोली मारूंगा ना कि तेरी शरीर से धुआं नहीं निकलेगा। धुआं निकलता है ना। इस दिन को भी याद रखूंगा बेरहम, इस दिन को जरूर याद रखूंगा। याद रखना और याद करके बैराम सिंह का सपना देखना। अगर ये बात ठाकुर ज्वाला सिंह ने जान गया तो तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। उस सलाम जादे ज्वाला सिंह से कह देना कि बेरहम सिंह के पिता का तूने पैर काटा है, अगर तेरी दोनों आंखें ना निकाल लियो तो मेरा नाम। बेटा कहो माँ अगर आज तुम समय पर नहीं आते तो मेरे बच्चे को मार देता। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, भगवान के घर देर है अंदर नहीं है। मैं तो एक फरिश्ता हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है आपकी रक्षा करने के लिए। और आप निश्चिंत रहे माँ, मेरे रहते हुए आपको कोई कष्ट नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन मेरे बेटे को तो खतरा है। हाँ। तुम्हारे बेटे को खतरा है? हाँ बेटे। बेटे को तुम्हारी कौन सा खतरा है? मेरे बेटे को बहुत खतरा है, इसलिए मैं इसे साथ में लेकर ही रहती हूँ। तो ठीक है, क्या नहीं आपके कहने का मतलब कि आपके पास आपका बेटा रहेगा तो कुशल नहीं रहेगा, यही कहने का मतलब? तो मेरे बेटे को भी अपने साथ ले जाओ। ठीक है साथियों, मेरी बात कहने का मतलब है कि माँ के साथ बच्चा रहेगा तो दुश्मन लोग इन पर कष्ट करेंगे, इसलिए इनका कहने का मतलब है कि इस बच्चे को हम तुम अपने साथ रखें। ठीक है माँ, आपका बच्चा सिरोधार है, जब तक ये बेरहम जिंदा है आपके बेटे के कोई पाल से बांका नहीं होगा। आप चिंता मत करिए माँ जी। साथियों ले लो और चलते हैं दिल पर। माँ अगर आपका आशीर्वाद है तो आप ही मेरे लिए जहान है, आप ही हमारे लिए ईश्वर है, इसलिए कहना है माँ। बोलो। और दुधवा पिया के पसली माई जैसन हो जैसन
आगे हमारे श्रीमान कन्हैया।